सिंह और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कैब में क्या कर रही हूँ। हम कैब में आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम कैब में चर्चा करने वाले हैं और कैब वाले भैया से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे दिन पता नहीं कितनी औरतों से, महिलाओं से का ड्रॉप और पिकअप करते हैं, तो एक तरह से औरतों की सुरक्षा इनके हाथों में होती है। क्यों भैया, सही बोला ना? बिल्कुल। और हमारे साथ तोमर भाई साहब हैं और मुझे लगता है कि एक रेप अपने आप में एक बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है, और आज जो भी ये घृणित काम कर रहा है उसको ये भी डर खत्म हो गया है कि हमें फांसी होगी या हमें 7 साल की सजा होगी। तो हमें, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा हम लोग निर्धारित करें कि इनके इनके डर इनके अंदर बैठ जाए, इनकी रूह कांपे जब भी ये ऐसा घृणित काम करें हमारी बच्चियों के साथ। तो भाई साहब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो घृणित काम करते हैं इनकी क्या मानसिकता होती है, क्या सोच होती है? इनकी सोच बहुत गलत होती है। हाँ। और साथ में ऐसे सोच वालों को और जो ऐसा काम करता है उसे वाकई में कोई हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की होनी चाहिए, मतलब कोई 7 साल की सजा नहीं, कुछ ऐसा 7 साल की कोई सजा वो सब बेकार है, क्योंकि वो फिर दोबारा ऐसी हरकत करेगा, इसलिए वो खत्म हो जाए। माइक ले लीजिए। हाँ जी। हाँ, और ये टी शर्ट पहन ले और जीन्स पहन ले तो कैसा पहनावा है? ये तो सही नहीं है। ये सही नहीं है, नहीं है। अच्छा, और ये जीन्स, ये स्कर्ट नहीं सही है, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई लड़की ये पहने तो ये तो चल जाएगा, एक ये चल जाएगा। हाँ। ये चल जाएगा, लेकिन इसकी बाजू है, बाजू छोटी है इसलिए नहीं। अच्छा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी सारे कपड़े कैंसिल हो गए। अच्छा, ये जो मैंने पहन रखा है ये सही है, ये सही है। अच्छा, तो ठीक है, अब अपनी 8 साल के नीचे के लिए तो सही है। हाँ, 8 साल की बच्ची हो गई, 10 साल की हो गई, ठीक है, 11 साल की बच्ची हो गई, उनके साथ बलात्कार होता है तो वो तो बेचारी ऐसा कुछ पहनती नहीं है, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? ये तो गलत है। तो किसकी सोच गलत है, पहनावे की सोच गलत है या आदमी की सोच गलत है, आपको क्या लगता है? ये तो आदमी की गलत है। आदमी की गलत है। अच्छा, तो अगर 10 वैसे बलात्कार नहीं करेंगे थाले, डर डर बैठा। और एक चीज बताओ, आपको छोटी सी बात बताओ, बलात्कार के ऊपर कह रहे हो, कोई शादी करके लाता है, घर वालियों क्यों लाता है? हाँ। बच्चे पैदा करने के लिए लागा, वन चलाने के लिए। हाँ। अगर हम किसी की बहन बेटी लाएंगे, हाँ, हम भी अपनी बहन बेटी कहीं भेजेंगे। आजकल घरवाली बलात्कार का वो लगा रही है, केस कर रही है, तो कहाँ क्या ये कानून रहेगा बहन कलन का, क्या कुछ रहेगा बताओ? सही कह रहा हूँ मैडम जी, मैं दिल की बात नहीं मैडम जी, एक चीज हम अपनी माँ बहन को रोटी तो हम भी खिला सकते हैं। हम किसी के यहाँ शादी करके भेजते हैं इसलिए भेजते हैं कि दूसरे का वंश चलेगा, और हम किसी की लेके आते हैं, जिसको 7 फेरे लेके करके आए हम, वो हमारे पे बलात्कार का इंतजाम लगा रही है, तो ऐसा आदमी इससे बड़ा स्टडी कर दो भाई। क्या पता भैया वो खुशी ना हो अपने आदमी से, है तो फिर एक बताओ, जब शादी होती है तो अपने साहब कहते हैं उस टाइम। आजकल तो वैसे लड़का लड़की बात करते हैं। अब लड़की खुश क्यों नहीं है? हाँ। उसको ये चाहिए कि वो तो घर से रहूं अलग। हाँ। 4-5 नौकर हो, अंधा पैसा मेरे हाथ में, मन मर्जी सोड़ाऊं, जिस मर्जी के साथ घूमूं, कोई मेरे उंगली करने वाला नहीं हो कि क्यों कर रहा है। सही बात है ये। अच्छा। ये है मैन। तालियां भी बज रही है, तालियां भी बज रही है, बताइए। कुछ नहीं हो सकता, आप इसके ऊपर कितना ही सोल्यूशन कर दो, हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन मान लीजिए सरकार को आपको एक समाधान देना पड़े तो जला देना चाहिए? नहीं, कुछ ही नहीं कर सकते, हमारी सरकार हमारे को कौन पूछ रहा है? जो हमारे वोट ले, सुनो, हमारा वोट लेके जो जीत रहा है, क्या, 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 क्या? ना यही कह रहे हैं जो ये, नहीं, सीएम, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, वो हमारे वोट से बनता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आज किसी गरीब आदमी को जरूरत पड़ेगी मुझे उससे मिलना है, हाँ, वो सारा सर पीट पीट के मर जाएगा लेकिन मिल नहीं सकता, उसके दर्शन नहीं होंगे। बिल्कुल, क्या बात है, सुन रहे हैं हमारे नेताजी, ये हमारी जनता बोल रही है कि जब आपसे जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो हाथ अल्लाह के नाम पे दे दे, और जब जिसको कहते हैं ये बेचारे मिलने जाते हैं तब आपके पास समय नहीं होता है, ये सोचने वाली बात है। नहीं, नेता की भी गलती नहीं है। हाँ, हाँ। नेता जब वोट मांगने आता था सबके पैर छूता है। हाँ। और जब पैर छूएगा तो मुंह फेर लेंगे, साला कहाँ से आ गया। तो वो कहता है, वो मनी मन में क्या कहता है, बुरा मत मानना, वोट दे तू, ना ना, कहता है वो बहन के लोड़ो घबराओ मत, मुझे एक बार जीत, नहीं नहीं मन में यही कहता हो कि मुझे एक बार मेरी सीट आ जान दो, तुम्हारे तो एक बार पैर छू रहा हूँ, तुम मेरे 100-100 बार छुओगे ना तब भी मैं तुम्हारा काम नहीं करूँ, 5 साल तो मैं ही तुम्हारा बाप बन के रहूंगा फिर। मतलब की भावना, शौक से पहनता है, कोई मजबूरी से पहनता है, कोई धंधा करता है वही पहनता है। तो इसके बाद मतलब जब लड़कियां अपने पैदा को बदलेंगी, हाँ, तब कुछ लोग मतलब बदलेंगे अपने आप को, बदलेंगे अपने आप को। जो पहनावा इतना गलत पहनती है, मैंने देखा मैडम इतना इतना पहनते, छोटे छोटे कपड़े, हाँ, पहने घूम, हाँ, रही नहीं है, पूरा खोले घूम रही है, क्या है ये? हाँ, हाँ। क्या है ये, हिंदुस्तान है मैडम ये, वो थोड़ी है यहाँ पे। तो मतलब
अच्छा ये जो बच्चियाँ होती है, छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, ये बेचारी क्या पहनावा करती है भैया? तो गलत बात है, वो तो गलत काम है, वो गलत काम है, वो गलत काम है। ऑफ द पीपल वी कांट से इट बिकॉज ऑफ द हाउ वी पीपल आर वेयरिंग द ड्रेसेस एंड ऑल इट करेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी सो यू थिंक सो दैट यू नो इवन इफ वी आर वेयरिंग जींस एंड टी-शर्ट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट दे शुड चेंज देयर माइंडसेट यस ऑफ कोर्स ओके वो फोड़ लो और जब चलो अच्छा हाँ जब चलो रास्ते मर जाते ना तो उसको कुछ दिखेगा वो तो अपने आप ही बटवे लग जाएगी जब वो अपने आप ही मर जाएगा अच्छा 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 एक बात बताओ भैया ये जो आठ आठ महीने की बच्ची का बलात्कार हो गया आठ महीने की बच्ची का ठीक है ये तो गलत तो ये अब वो आठ महीने की बच्ची ने क्या पहना होगा बताओ जींस ये तो हो ही नहीं सकता मतलब उनकी सोच गलत है एंड मतलब ड्रेस कैसे डिसाइड कर सकती है हमें नहीं पता कि कैसे वो जज कर रहे हैं किसी को उनकी बच्चियों का भी बलात्कार होता है हाँ करेक्ट तो ड्रेस तो बिल्कुल भी ये रीजन नहीं होना चाहिए मतलब ये उनकी मेंटेलिटी है लोगों की कि गर्ल्स जा रही हैं तो मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए जेंडर इक्वालिटी करेक्ट तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मतलब यही है कि सबको हम करेक्ट कैसे करें हमें ये सोचना चाहिए कि really kill them that's how I feel every time I feel that it's been years that I've been feeling and to be honest one reason I'm a mother myself I have a daughter and I'm considering leaving India for this just because of reason. This I have been thinking about it very very strongly but this is one reason that I want to leave India and probably I'm going to and a lot of my friends are thinking same way to go from here because of this reason yeah Okay. Pollution is of course one reason, but this is the biggest one. The biggest reason. देश तब बदलता है जब लोगों की सोच बदलती है जिन लोगों ने परिधानों के ऊपर अपना कटाक्ष बोला है मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ बिल्कुल ही असहमत हूँ सोच आपको अपनी बदलने की ज़रूरत है ना कि किसी भी महिला को अपने परिधान बदलने की ज़रूरत है हमें अपने विचार बदलने की ज़रूरत है आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा बहुत संजीदा मुद्दा है मैं आशा करती हूँ कि इसी संजीदगी से आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे और अपनी बात बेबाकी से रखेंगे मैं हूँ प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं टेफ मीडिया